नगर निगम धर्मशाला के जिन एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में छोटी इलेक्ट्रिकल बसों के माध्यम से सर्कुलर कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी। 18 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला के लिए 15 इलेक्ट्रिकल बसें खरीदी जाएंगी। धर्मशाला बस अड्डे पर नया निर्माण न होने के बावजूद पर्ची सिस्टम लागू होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही धर्मशाला कचरा प्रबंधन पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ये बातें कही। इस दौरान नेहरिया ने कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने वाले परिवहन निगम के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेहरिया ने बताया कि संघ की ओर से कुछ मांगे उनके समक्ष रखी गई थी, जो जायज हैं तथा उन्हें पूरा करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में कचरा प्रबंधन की समस्या काफी पुरानी है, जिसके समाधान के लिए समय तो जरूर लगेगा, लेकिन कई संस्थाएं इस दिशा में कार्य हेतु आगे आई हैं और निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है तथा जल्द ही इनकी टायरिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 15 इलेक्ट्रिकल बसों में कुछ छोटी बसें होंगी, जिनके माध्यम से नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों को परिवहन सेवा के रूप में कवर करने का भी प्रयास किया जाएगा। पत्रकारों के सवाल पर धर्मशाला बस अड्डे के विषय पर नेहरिया ने कहा कि यहां निर्माण शुरू न होने के बावजूद पर्चियां काटी जा रही हैं, जिसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भी उनके ध्यान में ये मामला आया था, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए पर्ची काटना बंद करवा दिया था। नेहरिया ने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया जाएगा। कुछ वर्ष पहले बस अड्डा निर्माण का टेंडर हुआ था। पीपी मोड पर इसका निर्माण कंपनी द्वारा किया जाना था। लंबे समय से बस अड्डा निर्माण हेतु भूमि का FRA केस भेजा गया है, जिसके बारे में उनकी हाल ही में अधिकारियों से बातचीत हुई थी, जिसमें उनको फॉरेस्ट क्लीयरेंस की बात कही थी। जो है वो चलाने वाले हैं, और दो स्थानों पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेस के जो है चार्जिंग स्टेशन भी रखेंगे। लगभग 15 करोड़ रुपये की ज़्यादा लागत से ये 18 करोड़ रुपये की लागत से जो है हमारी 15 बसेज आएंगी, और इसमें कुछ एक बसेज जो है वो हमारी बिल्कुल छोटी होंगी, मिनी बसेज होंगी, जो कि हमारे जो नगर निगम का क्षेत्र है, जो हमारा स्मार्ट सिटी का क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर सर्कुलर इसकी कनेक्टिविटी होगी, चाहे वो मैक्लोडगंज हो, भागसू हो, चाहे हमारा कचहरी अड्डा हो, रामनगर हो, श्यामनगर हो, हमारा दाड़नू गाँव हो, खन्यारा है, हमारा दाड़ी है, हमारा सिद्धवाड़ी है, हमारा सिद्धपुर है, हमारा स्कोगा है, हमारा स्टेडियम का एरिया है, चेलियाँ का एरिया, जितना भी एरिया है नगर निगम का, इस सारे एरिया को, चीलगाड़ी का है, ये सारे एरिया को हम लोग सर्कुलर कनेक्टिविटी जो है उन छोटी बसेस के माध्यम से देंगे, ताकि हमारे जो यहाँ के लोकल एरियाज हैं, जो जहाँ पर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स नहीं है, उन एरिया में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग दें। ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया था, और इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बातचीत भी कर लिया, और हम लोगों के पैसे की व्यवस्था भी होगी, टेंडरिंग प्रोसेस उसका शुरू कर दिया है, और आने वाले बहुत छोटे से समय में मात्र मुझे हम लोगों ने लक्ष्य लिया कि दिसंबर तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है दिसंबर 2021 तक जो है यहाँ पर तैयार करके जो है जनता को समर्पित करनी है। और मुझे लगता है बसेज की परचेजिंग तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस धर्मशाला में दौरा करेंगे, और इन सारी चीज़ों का हम लोग विधिवत जो है वो स्थापना करके जो है धर्मशाला के लोगों के लिए, धर्मशाला की सम्मानित जनता के लिए जो समर्पित करने वाले हैं। समस्या आज से कई वर्षों पुरानी है, और आप अगर आप लेके चले तो लगभग मुझे लगता है लगभग 30 सालों से ऐसा जो है कंटिन्यू चलता आ रहा है, परंतु जब से मैं विधायक बना हूँ हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो है काम करना शुरू किया है। अब हम लोगों की संस्थाएं भी जो है यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, एक वेस्ट वॉरियर करके संस्था है, वो लोग भी डिकम्पोजिंग के लिए काम कर रहे हैं, सेग्रीगेट करके जो है लोगों से कूड़ा करकट जो है घरों से कलेक्ट कर रहे हैं, और हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी जो है एक प्रोजेक्ट यहाँ पर काम करना जो इसमें शुरू किया है, और जिसमें हम लोग पूरा जितना भी हमारा नगर निगम का एरिया है तो उस नगर निगम के एरिया से हम लोग सेग्रीगेटेड जो है वो सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करेंगे और उसको वहाँ पर जो है रिसाइकलिंग करेंगे और उसकी डिकम्पोजिंग करेंगे। पर भाई साहब ऐसा है, जो समस्या इतनी पुरानी है, इस समस्या के समाधान के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ निश्चित तौर पर हम इस समस्या का समाधान करके देंगे। समस्याएँ भी यहाँ पर आपके सामने आई हैं, और इलेक्ट्रिकल बसें चलाने की बात आज हमारा जो धर्मशाला परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं, जो परिवहन मजदूर संघ है, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें मुझे आने का अवसर भी मिला। यहाँ पर बहुत सारे विषय पे बातचीत हुई, सबसे पहले तो जिन कोरोना वॉरियर्स का जो यहाँ पर इन लोगों ने योगदान दिया कोरोना वॉरियर्स के रूप में,
इस कोविड महामारी के दौरान उन्हें अप्रिसिएशन दिया गया, उन्हें एक पत्र दिया गया है और उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं और धन्यवाद भी किया गया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य जो किया है। इसके साथ साथ कुछ स्थानीय मांगों को लेकर भी इन लोगों ने बातचीत करी है। उन मांगों को मैंने अपने मेरे ध्यान में आई हैं और बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं। कुछ एक जो डेवलपमेंट्स को लेकर है, जो कुछ एक चीज़ें री एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, जैसे आप यहाँ पर यूरिनल प्रॉब्लम आ रही है इनको, टॉयलेट्स की है, चाहे पानी को लेकर है, और अड्डा में भी कुछ एक डिमांड्स इन लोगों रखी है। जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन जेन्युइन डिमांडों को निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आज यहाँ पर बस स्टैंड तो बना नहीं, पर्ची कट रही है, वो पैसा कहाँ जाता है, इसकी जांच करेंगे? देखिए, आज जो विषय इन्होंने दिलाया है ध्यान में, इस निश्चित तौर पे इस विषय में गंभीर विषय है। इस विषय में मैं तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करूंगा, माननीय जो हमारे मंत्री महोदय जी हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि कुछ वर्ष पहले जो है उस धर्मशाला जो हमारा बस स्टैंड है, इसका जो है टेंडर हुआ था कि हम लोग इस धर्मशाला के बस स्टैंड को बनाएंगे, और ये एक PPP मोड पर हुआ था। और जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, उस कंपनी ने वहाँ पर जो है इसकी कलेक्शन करनी थी, और उसी कंपनी ने जो है यहाँ पर इस बस स्टैंड को तैयार करके देना था, जो कि 40 साल के लिए लगभग उसको लीज जानी थी। अभी जो मामला है, मैंने खुद भी उस विषय में बातचीत करी थी कि हमारा मामला क्यों पेंडिंग पड़ा है, क्यों नहीं अभी तक कंस्ट्रक्शन हो पाई है। तो FRA में जो हमारा केस गया हुआ, वो वहाँ पर पेंडिंग पड़ा था। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते भी अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, और मैंने कहा है कि जल्द से जल्द उस जो हमारी फॉरेस्ट क्लीयरेंसेस है उनको दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू करें। बीच में ये जो पर्ची कलेक्शन का था, वो तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इसे रोक दिया था, परंतु आज इन्होंने ध्यान में लाया कि वे अभी तक भी फिर से शुरू कर दिया गया। मैं निश्चित तौर पे आज यहाँ के जो हमारे RM है उनसे बातचीत करके इस चीज़ पे तुरंत अंकुश लगाने के लिए बातचीत करूँगा, ताकि ये चीज़ रोकी जाए। और जब जैसे ही हमारी फॉरेस्ट की क्लियरेंस आती है, जैसे ही हमारे बस स्टैंड का निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है, तो उस समय ये चीज़ें जो है वो दोबारा से चलाई जा सकती है।